हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा तो प्लीज रिमेम्बर, ये रीडिंग किसी और के लिए है। पहला जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं इस पर्सन के दिल में, जिन ख्वाहिशों का पूरा होने का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। और यही ख्वाहिशें वो लिस्ट में काउंट कर रहे हैं कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी होनी बाकी है, ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है आपको लेके, जैसे लेकिन जैसे इस पर्सन के चेहरे पे मास्क है जिसकी वजह से हम उसके रियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, वैसे ही आपके बारे में पैशनेट सोचने के बावजूद भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका देखते हैं, हमें रीडिंग में कोई आंसर मिलता है क्या। फिर है टेम्परेंस, यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्ट्स, एक आग की तरह थोड़ा सा एग्रेसिव है या फिर आप कह सकते हैं उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं उसको। और दूसरा पानी की तरह शांत है, मतलब सामने वाला पर्सन कैसे भी रिएक्ट करे आप इजीली हैंडल कर लेते हैं, ऐसी भी दोनों की एनर्जी है। तो ये यही सोच रहे हैं कि आखिरकार मैं इस पर्सन से कैसे प्यार करने लगा, मतलब सिमिलैरिटीज से ज़्यादा अपोजिट बातें काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, जिन बातों को लेके ये उलझन में फंसे हुए हैं कि अब आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, तो अप्रोच कैसे करें। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सॉर्ड कलेक्ट करके रखी हुई है, वैसे ही काफ़ी कुछ है जो ये शेयर करना चाहते हैं। फिर है द मैजिशियन, जैसे कि मैंने कहा सेवन ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, इनके दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत ये फील कर रहे हैं, साथ ही साथ पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी भी है, थोड़ा फ्लर्ट करने का भी मन है, लेकिन कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है और पेंटेकल है जो दिल की ख्वाहिश को तो बताता ही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे इसके हाथ में कप है, थोड़ा सा वैंड की एनर्जी में है और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, ऊपर सैटर्न की एनर्जी है जो बताती है शायद किसी किसी के ऊपर शनि का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा है, जिस वजह से ये स्पीड लेते हुए प्यार में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है राइट नाउ वो ड्रिंक्स लेके आपके ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही खोए हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके कम्युनिकेशन का इंतज़ार है इनको कि काश मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और इसका कॉल या मैसेज मुझे आ जाए, और ये हो नहीं रहा है, इस वजह से ये पर्सन नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, मतलब स्लीपलेस नाइट्स में है। जैसे यहाँ पे खिड़की पे एक उल्लू बैठा हुआ है और ये उसकी तरफ देख के अपने आप को समझा रही है कि रात का वक्त हो चला है, मुझे भी रेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन नींद इसको नहीं आ रही। वैसे ही आपके पर्सन भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं वक्त कौन सा चल रहा है, लेकिन आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग से नहीं जा रहे, जिस वजह से आपके कॉल का या मैसेज का इंतजार किया जा रहा है। फिर है पीस, आई क्रिएट पीस प्रॉस्पेरिटी एंड जॉय इन माई लाइफ। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और वो सुकून लाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उनको पता है बस एक बार वो सुकून उनको मिल जाए फिर उनको खुशियाँ भी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस वो चाहते हैं वो भी ज़िंदगी में उनको मिल ही जाएगा। फिर है अवेकन, आई अवेक फीलिंग्स एनर्जाइज एंड बींग माई डे विथ ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे
अवेकन इनकी प्रोसेस हो रही है या हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि सोलमेट लेवल पे आपको लेके सोच रहे हैं। कुछ बातें अब तक जो समझ में नहीं आ रही थी वो भी समझ में आ रही हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग भी आपके लिए फील हो रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स को थैंक्स भी दे रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, एंजल्स ने कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलवाने की कोशिश ज़रूर की है, ये वो समझ रहे हैं। फिर है हायर सेल्फ। आई एम रेडी टू कम्युनिकेट विथ माई हायर सेल्फ इन माई ड्रीम्स एंड टू बिकम एनलाइटेंड। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है, और ये अपने दिल की बात सबसे शेयर करना चाहते हैं। जो भी मतलब दिल में है वो यूनिवर्स से भी शेयर करना चाहते हैं, आपसे भी शेयर करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो भी सपना देखते हैं हर रोज, वो सपना जल्द से जल्द पूरा हो। फिर है चेंज। आई एम्ब्रेस चेंज इन दिस न्यू डे एंड आई अडॉप्ट टू वॉट इज कम टू। तो ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं और यही विश कर रहे हैं कि आने वाला नेक्स्ट डे उनके लिए कुछ ऐसा बदलाव लेके आए जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। फिर है अट्रैक्शन। आई अट्रैक्ट अ लविंग, हैप्पी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप इन टू माई लाइफ। तो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके बिना ये हैप्पी नहीं रह सकते, और आप अगर उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी या फिर उस ज़िंदगी को चार चांद लग जाएंगे। फिर है फ्लो। आई नाउ ओपन माई सेल्फ टू इंस्पिरेशन एंड वॉच क्रिएटिविटी फ्लो थ्रू मी। तो यहाँ पे अपने जज्बात हैं वो थोड़ा सा शायराना अंदाज में, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे भी मैजिशियन की एनर्जी में हमने देखा, फ्लर्टिशियस एनर्जी में कनेक्ट होते हुए आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि दिल की जो बातें हैं वो सीधे आपके दिल तक पहुंच जाए। फिर है नर्चर। आई ओपन माई आर्म्स एंड रैप अराउंड दिस दोज दैट नीड्स नर्चरिंग स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि एक दूसरे की परवाह करना सही होता है, मतलब उससे प्यार बढ़ जाता है, और ये शुरुआत करना चाहते हैं अपने आप से। मतलब ये पर्सन खुद से तो प्यार करते ही हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा सेल्फिश भी आप इस पर्सन को कह सकते हैं, लेकिन अपनी खुशियों के लिए ये आपका साथ ज़रूर चाहते हैं हमेशा के लिए, और उस साथ को पाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन या फिर आप कह सकते हैं दिन रात ये अफर्मेशंस करने को भी तैयार है, क्योंकि ये सच्चे दिल से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं और उसी अट्रैक्शन की आपकी तरफ से इनको उम्मीदें हैं। और फाइनल कार्ड है इनर चाइल्ड। आई रिकनेक्ट विथ माई इनर चाइल्ड थ्रू फन एंड प्ले। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, छोटी छोटी बातों में वो खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो रूठ जाते हैं, वैसे ही इस पर्सन का भी थोड़ा सा मूडी नेचर हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर रखना चाहते हैं। मतलब आप भी उनसे ज़िद करें, झगड़ा करें, रूठना मनाना ये सब चलता रहे, और जैसे बच्चे सब भूल के फिर दोबारा एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम था ये भूल जाते हैं, वैसे ही ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ उसी एनर्जी से कनेक्ट रहें और ज़िंदगी के हर एक लम्हे का मज़ा उठाएं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।